अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों, मैं बंडी वंडर्स का चैनल ऑन करता हूँ। मेरे साथ अशर भाई हैं और मैं, और हम दोनों मंडी की प्रमोशन के लिए, उसको पब्लिसिटी करने के लिए कि भाई कोई मसला नहीं है, मंडी बहुत बेहतरीन है। हमारे साथ एक दफ़ा सीन हुआ, हमने इग्नोर किया क्योंकि हमारे साथ ये सीन हुआ था कि हमारी कार थी, उसको रोका गया था, उसमें से चार मोबाइल गए हमारे, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, खैर हो गई। हमारे MKD भाई ने बोला कि भाई मंडी में कोई ऐसा स्कैम नहीं हो रहा, सभी बिला वजह की है ना रिपोर्टें फिरा रहे हैं, लेकिन भाइयों ऐसा कोई सीन नहीं है। आज हम लोग रात में तकरीबन 7:30 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ। एक मेरी बाइक थी 70, उसके ऊपर 3 बैठे हुए थे, और एक मेरी बंटू बाइक थी अपना यामाहा की। तो हमने इधर से अपना बुरा के हैसराबाद उस रोड से हमने पेट्रोल डलवाया एटॉक्स से पेट्रोल डलवा के हम जैसे ही निकले ना, वहाँ पे 3 बंदे 70 पर आए थे जिन्होंने रुमाल बांधा हुआ था, और उन्होंने हमारे बच्चों को रोका है, हमारे बच्चों से मोबाइल छीने, 2 मोबाइल छीने। तो भाई 50,000 के 2 फ़ोन थे, और पूरी हमारी एक बाइक थी जो कि है ना, अब हमने उसकी रिपोर्ट भी करवा दी। यहाँ तक कि हमने पुलिस वालों से बोला, पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई आप थाने जाओ, अगर उसी वक्त पुलिस वाले एक्शन ले लेते ना तो हमारी बाइक उस वक्त मिल सकती थी, लेकिन उस वक्त किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरी बात, अगर आप समझ लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो ये चेक करो, ये पर्ची सबूत है वहाँ के थाने के साइड, सुपर हाईवे का थाना है वो, जहाँ से हमने ये पर्ची बनवाई है। और यार प्लीज़ यार, वहाँ पर अगर हमें किसी बंदे को भी हमारी बाइक मिले ना, तो यार प्लीज़ यार उसको हमें कांटेक्ट करें, हम कांटेक्ट नंबर देंगे आपको, और उसको जितना शेयर कर सकते हो ना शेयर करो। और जिन भाई के साथ हुई थी ना, हम उनका भी इंटरव्यू लेके दिखाएंगे, अभी देते हैं आपको। तो हमसे सीन क्या हुआ था बताओ यार। यार हम लोग पेट्रोल पम्प बनवा के निकले, वहाँ से हम लोग थोड़े से आगे गए, तो पीछे से 3 बंदे थे एक बाइक पे, उन लोगों ने आके हमारे सर पे ऐसे पिस्टल रख दी और बोला जो है सब कुछ निकालो। उसके बाद हम लोग गाड़ी से उतरे, उन लोगों ने मेरे छोटे भाई पे पिस्टल रख दी और मेरे सर पे रख दी पिस्टल, उन्होंने बोला सब निकालो। हमने वॉलेट निकाल के दिया, उनको मोबाइल निकाल के दिए, मेरे साथ मेरे कज़न भी थे, उनका भी मोबाइल लिया, उनसे ज़्यादा बदतमीजी भी कर रहे थे, धक्के वगैरह दे थे। उसके बाद वो बैठ के तीनों जा रहे थे, फिर पीछे वाले बंदे ने बोला भाई रुको, हम लोग बैठ गए थे गाड़ी से अपनी वापस। तो बाइक पे उसने उतारा हमें वापस, और अब दूसरे बंदा बाइक पे बैठा और वो लोग हमारी बाइक भी लेके चले गए। फिर हम लोग वहाँ पे आगे गए ना थोड़े से, वहाँ पे चौकी बनी हुई थी, वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। हमने उनको शिकायत करी पुलिस वालों को, पुलिस वाले कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे हाँ हम करते हैं करते हैं। और उनके सामने से पुलिस वाले, जहाँ पुलिस थाना पड़ता है उसी तरफ वो पुलिस वाले भी गए थे, चोर गए थे वहाँ पे। तो यार रमजा ये बताओ कि आप लोग वहाँ जा क्यों रहे थे, और वो बंदे कितने थे, आपके मोबाइल की वैल्यू क्या थी, बाइक की वैल्यू क्या थी, किस बाइक पे आए थे, और कितने क्या था, क्या मामला थे सर? ये भी जा रहे थे जानवर लेने, सही है, मेरे पास बयाना था, मेरे मोबाइल थे, 5,000 रुपये मेरा बयाना था, मोबाइल की वैल्यू थी, एक मोबाइल की थी 50,000, एक मोबाइल की थी 55,000। वो दोनों मोबाइल भी ले गए, मेरी बाइक थी 3,75,000 रुपये की, वो पूरी बाइक भी ले गए अपने साथ। बाइक कौन सी थी? बाइक थी यामाहा YBZ125 थी। और जो आप बता रहे हो वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे, वो सिक्योरिटी पड़ता है मंडी की? वो सिक्योरिटी पे नहीं थे, वो वहाँ पे सारा उनका लंच डिनर सब कुछ चल रहा था वहाँ पे, वो खा रहे थे हम उनके पास। यानी मंडी की सिक्योरिटी वालों ने जो बिठाया हुआ था ये वही पुलिस वाले थे? सारे पुलिस वाले थे। और जब हम लोग एकदम से डकैती करके जिस डायरेक्शन में गए थे हम उस साइड पे गए, थोड़ी देर बाद हमारे पास बाइक आई, कॉल करके हमने बाइकें मंगवाई थी, पंचर वाले से हमने मोबाइल लिया था, उनसे कॉल करके हमने बाइकें मंगवाई। उसके बाद जिस डायरेक्शन में चोर गए थे उसी डायरेक्शन में गए, तो पुलिस वाले 2 वहाँ पे खड़े हुए थे, और हमने उनसे बात करी, वो कह रहे हैं आप जाओ अपने पहले। उस वक्त हमारे पास कुछ ना, हमारे पास गाड़ी के पेपर्स वगैरह सारे उसमें चले गए थे, कॉपी गाड़ी की कॉपी सारे मेरे वॉलेट में थी, वो सारी चली गई। वो कह रहे हैं आपकी FIR जब काटेंगे, जब आप अपने गाड़ी के शनाख्ती कार्ड और सब कुछ लाओ। मतलब उस वक्त उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने बोला तुम थाने जाओ। यार हम थाने जाएंगे तो हमारी बाइक कहाँ ले जाएगा, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। अगर उसने खोल खाल के बेच दिया हमारी तो बाइक गई ना, और कोई देखने वाला भी कुछ नहीं है। इंतजाम ये बोल रही है अच्छी सिक्योरिटी रखी है, वैसी सिक्योरिटी रखी हुई है, घंटे की सिक्योरिटी रखी हुई है यार, यहाँ पे लोगों की जानें महफूज नहीं है। मेरे भाई इसको शेयर करो यार, जितना शेयर कर सकते हो करो। देखो हमारे साथ सीन हो गया, अब कोई जो भाई कुर्बानी की नियत से जाए उनके साथ ऐसा हादसा हो जाए यार, वो कैसे करेंगे कुर्बानी? जो पूरे साल जोड़ते हैं अपने 1-1 रुपया कुर्बानी के लिए, तो वो किस तरीके से करेंगे? आज ये अब इन लोगों के साथ सीन हुआ कि ये लोग कर सकते हैं अब कुर्बानी?
तो यार आप प्लीज़ इसको ना जितना फैलाओ यार, जितना शेयर कर सकते हो करो। उसकी वजह ये है, देखो हमारे साथ हो गया कोई मसला नहीं है, हमने आपको अपनी बात बता दी, लेकिन हर बंदा तो नहीं बताएगा ना आपको कि उसके साथ क्या हुआ है। तो सिक्योरिटी और हार्ड करो, ये एहसानाबाद वाला जो रोड है ना, इस पर भी थोड़ी लाइटिंग और सिक्योरिटी करो, क्योंकि ये बहुत सन्नाटे वाली जगह है। अब आप खुद देखें यार, जो 10-10 हज़ार कमाते हैं वो किस तरीके से कुर्बानी करेंगे। अब इनके 1 लाख रुपए तक के, तकरीबन 1 लाख रुपए तक के मोबाइल गए, और 3,75,000 कुछ की है ना बाइक गई है। अब इतने बड़े लॉस के बाद ये कुर्बानी कर सकेंगे क्या? अब इन लोगों ने बाइक भी किस तरीके से ली होगी ये लोग ही जानते हैं। अब ये लोग जाएंगे मंडी, नहीं जाएंगे तो यार भाइयों प्लीज़ आए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं दिल से ना। 10 दिन रह गए मंडी के अंदर, जब आप लोगों ने मंडी वाले रास्ते के अंदर बीमार से जो अंदर मंडी की तरफ जा रहे हैं उधर पाया, वहाँ आपने सिक्योरिटी अच्छी कर दी, लाइटिंग कर दी, या प्लीज़ इस 10 दिन के लिए एहसानाबाद वाला रोड की थोड़ा सा लाइटिंग करना चाहते हो, क्योंकि वो यार बैन रूप है मंडी का। तो अगर आप वहाँ भी लाइटिंग कर दोगे, वहाँ भी सिक्योरिटी बढ़ा दोगे, तो कराची के आवाम के लिए आसान हो जाएगी। अभी हम यूँ ही बोल रहे कि आप बाइकआउट करो मंडी की, आप जाएँ, लेकिन यार सिक्योरिटी टाइट करो, बस शुक्रिया। और हाँ देखो, इस बच्चे की इधर आओ, इधर आओ, इस बच्चे की गर्दन पे टीटी रखी थी यार, और इसके सर पे रखी थी। आप खुद सोचो यार, इतने इतने बच्चों के उसका ख्याल नहीं कर